हाथरस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सेमिनार @20 पर नरेंद्र मोदी पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, डॉक्टर SPS चौहान, प्रोफेसर बागला डिग्री कॉलेज हाथरस रहे। कार्यक्रम में सहभागिता जिला अध्यक्ष गौरव आर्य, सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर, सिकंदरा राव विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा सहित आदि पदाधिकारी एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगर भगवान का आशीर्वाद न हो, मोदी जी को कोरोना न हो, ऐसे ही कहने की बताई मोदी जी को कभी कोरोना हो सकता नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैं इस चीज को मानता हूं, ईश्वर का आशीर्वाद भी हमारे भगवान हमारे मोदी जी के ऊपर साक्षात है। वैसे तो मनुष्य मानव समाज पर ईश्वर की कृपा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिस निश्चय से आदरणीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आज राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हैं जो दिनेश प्रताप सिंह हैं उनसे जानते हैं किस तरह प्रतिभा किया है सर जिला कार्यालय हाथरस पर। हमारी पार्टी का निर्णय था कि मोदी जी पर जो 20 वर्षों में मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में देशवासियों की सेवा की है उसके बारे में अपने लोगों के बीच में हाथरस के लोगों के बीच में विषय रखना था। सो हमने अपने लोगों के बीच में विषय रखे। इस कार्यक्रम में हमारी माननीय विधायक जी जिलाध्यक्ष जी पार्टी के सभी कार्यकर्तागण उपस्थित थे और मैंने उनके बीच में रखा। इसी के क्रम में मैंने जो देश के यशस्वी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमको या पार्टी के मैंने मंत्रीगणों को कहा था कि जनता सरकार जनता के द्वार जाए, जिसके क्रम में भी मैंने आगरा और हाथरस में देखा है अपनी योजनाएं कि उत्तर प्रदेश सरकार की आशा के अनुरूप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा कि हमारे आगरा और हाथरस दोनों जगह उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरूप कार्य चल रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, विकास कार्य खूब कसके हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर, थैंक यू सर। ये थे हाथरस से देव प्रकाश, TV 13 न्यूज़।